नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना YouTube चैनल साइन न्यूज सीरीज में स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग टाइटल और पोस्टर में पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर के बारे में, जो कि आप लोग को उनका ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी आप लोग को देने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से, जो कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो नरेंद्र मोदी सर का वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह कोई भी छोटी बड़ी खबर आए तो आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री और सबसे पहले। चलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए आप लोग, फिर मिलते हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों अभी आप लोग देख लिए जो कि लॉकडाउन का डेट बढ़ चुका है, लेकिन अब आप लोग को एक ऐसा इम्पोर्टेंट 7 बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने बताए हैं, वो भी वीडियो मैं आप लोग को बताऊंगा और यह मोबाइल स्क्रीन पे शो करूंगा। इस वीडियो को भी आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिए। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकाले। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का
हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर का बात आप लोग को सुझाव कैसा लगा, उनका नियम कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक अगले न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।